गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब जो हम बात कर रहे थे ये डिस्क फॉर्मेटिंग का, ये हम लास्ट क्लास में लाइव क्लास लिए थे उसमें हम बता चुके थे, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हम लोग क्लोज कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, और इसके बाद ये नोट्स और ये वीडियो लेक्चर हम डाल देते हैं मोडल पे, ठीक है। तो उसमें देख लेना, डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया था। फिर नेक्स्ट में आते हैं डिस्क ड्राइव। तो मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स क्या है, यूज्ड यूनिट यूज्ड फॉर रीडिंग राइटिंग ऑफ डेटा ऑन फ्रॉम अ मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि हम लोग यूज़ करते हैं रीडिंग या फिर राइटिंग डेटा को फ्रॉम मैग्नेटिक डिस्क से, ठीक है। कंटेन्स ऑल द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स फॉर होल्डिंग वन और मोर डिस्क एंड फॉर कॉम्पोनेंट contains all mechanical, electrical and electronic components for holding one or more disks and for reading or writing of information on it। यानी कहने का मतलब क्या है, हार्ड ड्राइव जो तुम लोग हम लोग लेते हैं उस हार्ड ड्राइव में जो पैक सील्ड पैक हार्ड ड्राइव रहता है वो पहले तो एयर टाइट कंटेनर होता है जिसमें एयर का कुछ अंदर जा नहीं सकता है। उसके अंदर क्या रहता है, कंटेन अ मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल से भी बना हुआ है, मैकेनिकली कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि रोटेशन जो करता है, रोटेट एकदम फास्ट जो करता है, तो दैट इज़ अ मैकेनिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट भी इन्वॉल्व है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स फॉर होल्डिंग वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स भी लगा हुआ है जो कि होल्ड करता है वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क को, एंड फॉर रीडिंग और राइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव। ऑल्दो द डिस्क ड्राइव वेरी ग्रेटली इन द शेप साइज एंड डिस्क फॉर्मेटिंग पैटर्न, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। तो डिस्क ड्राइव को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या है, दोज विथ एन इंटरचेंजेबल मैग्नेटिक डिस्क विच अलाउ द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मैग्नेटिक डिस्क एज व्हेन दे आर नीडेड फॉर रीडिंग और राइटिंग ऑफ डेटा ऑन टू देम। एक रहता है ओपन एंडेड ये तुम्हारा हार्ड डिस्क, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो अलाउ करता है कि मैग्नेटिक डिस्क हम लोग डाल सकते हैं और उसमें से निकाल सकते हैं जब यूज कर सकते, ठीक यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट में आता है दोज आर द फिक्स्ड मैग्नेटिक डिस्क विच कम अलॉन्ग विद द सेट ऑफ परमानेंट फिक्स्ड डिस्क, दिस डिस्क ड्राइव आर नॉट रिमूवेबल फ्रॉम द डिस्क ड्राइव्स। एक वो फिक्स्ड आता है, जैसे तुम्हारा जो हार्ड ड्राइव तुम खरीदते हो ना 1 टेराबाइट, यानी कि लिख दिया 1 टेराबाइट स्पेस, तो वो जो है दैट इज़ फिक्स्ड, यानी कि उसमें हम लोग कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, कुछ उसमें से निकाल नहीं सकते, पैक्ड रहता है, फिक्स्ड पैक्ड डिस्क, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क कंट्रोलर क्या होता है, डिस्क ड्राइव इज कनेक्टेड विद अ कंट्रोलर बाय अ डिस्क कंट्रोलर विच इंटरप्रेट्स द कमांड फॉर ऑपरेटिंग द डिस्क ड्राइव। डिस्क कंट्रोलर क्या होता है, डिस्क कंट्रोलर इज अ डिवाइस विच कंट्रोल्स एंड असेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क एंड ट्रांसफर्स द डेटा टू द रेस्पेक्टिव प्लेसेस वेयर द डेटा इज नीडेड, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क कंट्रोलर। Typically supports only read and write commands which needs disk address, surface number, cylinder track number and sector number as a parameter। यानी कहने का मतलब है कि हमारा ये जो disk controller जो है वो सिर्फ दो ही काम करने के लिए responsible है, या तो read करेगा information को या फिर write करेगा information को। तो reading और writing information के लिए उसको वो address चाहिए। Address क्या होगा, एक सरफेस नंबर किस सरफेस पे राइट करना है, ट्रैक नंबर किस ट्रैक पे हमको राइट करना है, और सेक्टर नंबर किस सेक्टर पे हमको राइट करना है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा एज द पैरामीटर्स, ठीक है। कनेक्टेड टू एंड कंट्रोल्स मोर देन वन डिस्क ड्राइव इन विद विच केस द डिस्क ड्राइव नंबर इज ऑल्सो नीडेड एज अ पैरामीटर फॉर रीड एंड राइट कमांड्स। Connected to control more than one disk drive, in which case the disk drive number is also needed as a parameters for read and write commands, ठीक है। तो यानी कि control controller से एक है, the controller से connected है, one or more disk रहता है, which के disk drive number also needed to parameters to read and write, यानी disk drive number भी हमको चाहिए for accessing the information from the disk drive।
असेसिंग और राइटिंग द इंफॉर्मेशन डिस्क टाइप। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है ये दो टाइप का होता है, एक फ्लॉपी डिस्क जो हम लोग पहले बहुत पहले यूज़ करते थे, ये तो हट चुका है, फ्लॉपी डिस्क अब हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा एक है हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो है तीन टाइप का होता है, एक जिप बर्नौली डिस्क, एक डिस्क पैक और एक विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क में सबसे पहले आते हैं, फ्लॉपी डिस्क में, तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो राउंड फ्लैट पीस ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ अ मैग्नेटिक ऑक्साइड। तो राउंड फ्लैट पैटर्न डिस्क है जिसके अंदर में एक प्लास्टिक मटेरियल रहता है जो कि तुम्हारा एक मैग्नेटिक ऑक्साइड से कोटेड रहता है, ठीक है। सो कॉल्ड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्लेट्स विच कैन बेंड, ठीक है, बिकॉज फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्लेट से बना रहता है जो कि हम लोग बेंड कर सकते हो और आसानी से, ऑल्सो नोन एज फ्लॉपीज और डिस्केटेज, यानी कि हम लोग इसको फ्लॉपीज भी बोल सकते हैं और डिस्केटेज भी बोल सकते हैं। प्लास्टिक डिस्क इज एनकेस्ड इन अ स्क्वायर प्लास्टिक विंसल जैकेट कवर दैट गिव्स हैंडलिंग प्रोटेक्शन टू द डिस्क सर्फेस, यानी कि प्लास्टिक डिस्क इज एनकेस्ड विद द स्क्वायर प्लास्टिक विंसल जैकेट कवर दैट गिव्स हैंडलिंग प्रोटेक्शन टू द डिस्क सर्फेस, यानी कहने का मतलब है हम लोग ये जो प्लास्टिक डिस्क है इनकेस रहता है स्क्वायर प्लास्टिक में विंसल जैकेट में कवर में जो कि प्रोटेक्शन और डिस्क सर्फेस, ठीक है। द टू टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज यूज टूडे, क्या है तो हम लोग जो पहले यूज करते थे फ्लॉपी डिस्क दो टाइप का होता है, एक है 1x5x1/4 डायमीटर 5x1/4 inch, इट इज़ एनकेस्ड इन द स्क्वायर फ्लेक्सिबल विंसल जैकेट, और एक था 3.5 inch डिस्केट हुज डायमीटर इज 3.5 inch एंड इन इनकेस्ड इन द स्क्वायर हार्ड प्लास्टिक जैकेट, ठीक है। पोर्टेबल हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क एंड पेन ड्राइव हैव नाउ रिप्लेस्ड, यानी कि पोर्टेबल हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क यानी कि ये जो सीडी जो हम लोग बोलते हैं उसको ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, एंड पेन ड्राइव हैव बीन नाउ रिप्लेस्ड बिकॉज द आउट परफॉर्म्ड फ्लॉपी डिस्क इन द स्टोरेज कैपेसिटी एस एस स्पीड एंड रिलायबिलिटी, ओके। तो ये जो है देखो यहाँ पे दिस इज़ द 5x1/4 inch फ्लॉपी डिस्क, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लेबल है, यहाँ पे यूज़र्स लेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, यहाँ पे राइट प्रोटेक्ट नॉच है, अगर राइट नहीं करना हमको तो राइट प्रोटेक्ट हम लोग नॉच को खींच देते बाहर, ड्राइव स्पिंडल होल यानी कि ये ड्राइव का स्पिंडल होल है जहाँ फिक्स होता है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर से, डिस्क एसएस ड्राइव एसएस ओपनिंग जैकेट यानी कि ड्राइव को एसएस करने के लिए एक ओपन रहता है यहाँ पे, एपरेचर ऑन द जैकेट थ्रू विच रीड राइट हैंड मेक्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डिस्क सर्फेस, यहाँ पे एक खुला हुआ जैकेट रहता है जिसमें यहाँ पे रीड राइट हैड जा करके यहाँ पे जा करके ये डिस्क को एसेस करता है, ठीक है। दिस इज 5x1/4 inch यहाँ से लेके यहाँ तक। अ 5x1/4 inch फ्लॉपी डिस्क इज enclosed विद इन अ जैकेट, द ड्राइव mechanism clamps on to a portion of a disk exposed by a drive access opening in the jacket, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता देखो three and a half inch फ्लॉपी डिस्क, तो इसमें क्या है तुम्हारा, ये है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का दिया हुआ है, कैसा होता है, लाइट इंडिकेटर यहाँ रहता था, ब्लिंक्स व्हेन द रीड एंड राइट ऑपरेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे दिस इज ओपनिंग फॉर इंसर्टिंग द डिस्क इनसाइड द ड्राइव, और ये जो फ्लॉपी डिस्क एजेक्ट बटन, यहाँ पे एजेक्ट दबाते थे तो एजेक्ट कर देता था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है फ्रंट व्यू ऑफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये जो है ये फ्रंट व्यू है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का। फिर फ्लॉपी डिस्क जो 3.5 inch जो होता है, यहाँ पे दिस इज स्लाइडिंग मेटल पीस कवर, ये स्लाइड करता है, ठीक है। यूज़र लेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि ये जो हम लोग लिखने के लिए यूज़ करते हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या डेटा कंटेन कर रहा है, दिस इज 3.5 inch एंड दिस इज़ राइट प्रोटेक्ट प्लास्टिक टैब, यानी कि राइट प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क जो है वो जो है हार्ड डिस्क राउंड फ्लैट पीस ऑफ रिजिड मेटल
फ्रीक्वेंटली एल्यूमिनियम डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक ऑक्साइड, यानी कि हम लोग जो है राउंड फ्लैट डिस्क होता है हमारा पैक्ड इसमें उसमें, तो उसमें जो है हम लोग मेटल मैग्नेटिक ऑक्साइड से हम लोग उसको कोट करते हैं, कि इसको कोट करते हैं एल्यूमिनियम प्लेट को, ठीक है। कम इन मेनी साइजेस फ्रॉम 1 to 114 inch डायमीटर, यानी कि ये जो है वेरियस साइजेस का आता है, ये जो वेरी करता है 1 inch से 14 inch डायमीटर पे, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर पैकेज्ड। हार्ड डिस्क आर ऑफ 3 types, जिप बर्नौले डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क, 3 है। प्राइमरी ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टुडे, ये तो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द मोस्ट प्रोबेबली टुडे, ठीक है। जिप बर्नौले डिस्क यूजेस अ सिंगल हार्ड डिस्क प्लेटर एनकेस्ड इन अ प्लास्टिक कार्ट्रिज, ठीक है, यूजेस अ सिंगल हार्ड डिस्क प्लेटर एनकेस्ड इन अ प्लास्टिक कार्ट्रिज। डिस्क ड्राइव मे बी पोर्टेबल और फिक्स टाइप, ठीक है, तो डिस्क ड्राइव मे बी पोर्टेबल और फिक्स टाइप, पोर्टेबल भी हो सकता है और फिक्स पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। फिक्स टाइप इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम परमानेंटली कनेक्टेड टू इट, यानी कि फिक्स टाइप इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ परमानेंटली कनेक्टेड टू इट। फिर पोर्टेबल टाइप जो कैरीड आउट कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड विद द ड्यूरेशन ऑफ यूज एंड दे कैन बी डिसकनेक्टेड एंड टेकन अवे व्हेन द वर्क इज डन, यानी कि एक दो टाइप का होता है, एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क और एक जो है फिक्स टाइप का। तो हम लोग का जो है इसमें पोर्टेबल वाला को हम लोग एक जगह लगा के दूसरी जगह फिर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिप डिस्क कैन बी इजिली इंसर्टेड रिमूव इन द जिप ड्राइव जस्ट एज इंसर्ट एंड रिमूव फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो जिप डिस्क जो होता है वो हम लोग इजिली इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जिप ड्राइव से, और इस जिप ड्राइव से जैसे हम लोग फ्लॉपी डिस्क को हम लोग डालते थे और रिमूव करते थे, ठीक है। तो डिस्क पैक, अब आते हैं डिस्क पैक में क्या होता है। यूजेस मल्टीपल 2 or more हार्ड डिस्क प्लेटर्स, uses multiple two or more hard disk platters mounted on a single central shaft, यानी कि हम लोग use करते हैं एक या दो magnetic plate को जो कि mounted रहता है single central shaft पे, ठीक है। Disk drive has a separate read write head for each usable disk surface, upper surface that is topmost disk and the lower surface bottommost disk is not used. तो डिस्क ड्राइव में जितना भी प्लेट्स हम लोग डालते हैं उस प्लेट्स का अपर सरफेस में कुछ नहीं रहता है और लोअर सरफेस में कुछ नहीं रहता है, कोई रीड राइट हेड नहीं रहता है, लेकिन बाकी जितना भी सरफेस है सारे सरफेस के भी लिए रीड राइट हेड तुम्हारा रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं विंचेस्टर डिस्क, यूजेस मल्टीपल 2 or more हार्ड डिस्क प्लेटर्स माउंटेड ऑन अ सिंगल सेंट्रल शाफ्ट, यानी कि हमारा ये जो है विंचेस्टर जिग में दो या दो से ज़्यादा प्लेट्स जो है माउंट कर देते हैं सेंट्रल शाफ्ट में। हार्ड डिस्क प्लेटर्स एंड द डिस्क ड्राइव इज सील्ड टुगेदर इन अ कंटामिनेशन फ्री एंड कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हार्ड डिस्क प्लेटर जो हम लोग डिस्क ड्राइव में डालते थे उसको सील ऐसा कर दिए एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें कि हम लोग कंटेनर जो कि हम लोग सेपरेट कभी नहीं कर सकते थे उसको पैक कर दिए, ठीक है। तो विंचेस्टर डिस्क, ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग देख लो, यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, यहाँ तक देख लो उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, ओके।